तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे क्लास सेवन साइंस का चैप्टर नंबर टू का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक ना, जिसमें हमें पढ़ना है डाइजेशन, ठीक ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन क्या होता है, ठीक ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई हम फूड खाते हैं तो फूड हमारे बॉडी में जाता है, ठीक ना। तो जाने के बाद उसमें कई प्रोसेस होते हैं, ठीक ना। और वो पहले क्या होता है कि इन सॉल्युबल सब्सटेंस से सॉल्युबल सब्सटेंस में जो है आपका कन्वर्ट होता है, और जब सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा जो है बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो कन्वर्ट होने से पहले जो है जितने भी फूड होते हैं कई जो है लार्ज जो है इन सॉल्युबल सब्सटेंस उसको उसके अंदर रहता है, और वो जो है हमारा बॉडी उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है हमें पहले उसको सॉल्युबल सब्सटेंस में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। जब वो सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसलिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स या हम कह सकते हैं विटामिन कहते हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन सारा जो है इन सॉल्युबल होता है, जो पासिस नहीं करता हमारे वाल जो होता है वाल ऑफ द इंटेस्टाइन और एब्जॉर्ब नहीं। यानी कहने का मतलब कि जो भी हम फूड खाते हैं जिसके अंदर हमारा फैट होता है, स्टार्च होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो बहुत सारे इन सॉल्युबल सब्सटेंस को कंटेन किए रहते हैं, और वो जो है डायरेक्टली जो है हमारे सेल ऑफ द इन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसको सेल से डायरेक्टली पास नहीं कर पाते हैं, और जब डायरेक्टली पास नहीं कर पाते हैं तो बॉडी उसको हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसलिए पहले उसको इन सॉल्युबल से सॉल्युबल बनाना जरूरी होता है। तो यहां पर जो इन सॉल्युबल से सॉल्युबल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डाइजेशन मैंने क्या लिखा भी है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेन लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो प्रोसेस जिसके अंदर फूड के अंदर जो है बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल, ये लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है ब्रोकन करता है, टूटता है किसमें, स्मॉल इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो छोटे छोटे सॉल्युबल इनसॉल्युबल से सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक कर जाता है, विच कैन बी अब्सॉर्ब आवर बॉडी, और जो जब इनसॉल्युबल से सॉल्युबल में जब कन्वर्ट हो जाता है तब हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। यानी डाइजेशन का मतलब कि जब हम कोई चीज फूड खाते हैं तो फूड के अंदर हमारे इनसॉल्युबल सब्सटेंस ज्यादा होता है, तो इनसॉल्युबल से उसको सॉल्युबल सब्सटेंस यानी उसको लिक्विड में जो है सॉल्युबल लिक्विड से सॉल्युबल का मतलब जो वाटर में घुल जाए, इनसॉल्युबल जो वाटर नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर वाटर ही होता है, वाटर भी होता है, इसलिए वो इनसॉल्युबल से सॉल्युबल में कन्वर्ट होता है, जिससे सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये प्रोसेस मेरा क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन जो है यहाँ पर दो तरह से हम देखने को मिलता है, हमें हम यह कह सकते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस जनरली दो तरह से होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल मेथड। फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा हमारा ये दोनों प्रोसेस के द्वारा डाइजेशन होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि फिजिकल मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड क्या होता है। फिजिकल मेथड में क्या होता है कि जब भी हम कोई भोजन को लेते हैं, चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, तो जो च्यूइंग और ग्रेडिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम फिजिकल मेथड में रखते हैं, और केमिकल मेथड में जब हमारा भोजन डाइजेस्ट करता है तो उस फूड से जो है डाइजेस्टिव जूस जाकर मिलता है जो उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो जो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो हमारे केमिकल मेथड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दो मेथड में च्यूइंग और ग्रेडिंग को हम फिजिकल मेथड में रखते हैं, और डाइजेस्टिव जूस जो उसके साथ मिलता है वो हमारा होता है केमिकल मेथड, ठीक है। अब चूंकि कौन सा जो है हमारा जो है फूड जो है किसमें कन्वर्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा स्टार्च है, स्टार्च जो है हमारा जब डाइजेस्ट का होता है, नहीं स्टार्च जब ब्रेक करता है, टूटता है, ब्रेकन डाउन होता है, तो ब्रेक करके जो जैसे हम कोई मान लीजिए रोटी खाए तो रोटी में क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स हमारा होता है। अब वो स्टार्च क्या होता है, जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वो ब्रेक करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्च हमारा ब्रेक करता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और फैट हमारा क्या होता है, जब ब्रेक करता है, जैसे मान लीजिए हम बटर खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तो जो फैट उसके अंदर है वो अगर ब्रेक करता है तो एमिनो फैटी एसिड ग्लिसराल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद प्रोटीन वाला कोई मटेरियल हम कहते हैं, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन वाला फूड अगर हम कोई खाते हैं तो प्रोटीन जब ब्रेक करता है तो किसमें बनता है, वो एमिनो एसिड में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा ग्लूकोज हुआ, फैटी एसिड ग्लिसराल हुआ,
ये अमीनो एसिड, ये वाटर सॉल्युबल होता है, और ये जब वाटर सॉल्युबल है, सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक ना। तो ये हमें क्या कहता है, वाल के स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से जो है पास कर जाता है। अब पास करने के बाद हमारे बॉडी के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होती है। ये सारा हमारा जनरली नहीं आपका इनसॉल्युबल, इसके अंदर मटेरियल होता है, बट ये ब्रेक करके जब इन सब चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्टार्च जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, फैट जो है अमीनो एसिड और ग्लिसराल में बदल जाता है, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड फैट जो है फैटी एसिड नॉट अमीनो एसिड फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसराल में कन्वर्ट होता है, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे वाटर सॉल्युबल होता है, और ये हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से पास कर जाता है, जिसके चलते हमारा बॉडी उसको क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। और यही तो चीज है, बॉडी इन सबको अब्सॉर्ब करेगा तभी तो हम हेल्थी रहेंगे। अब्सॉर्ब करना जरूरी भी है, ठीक। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और उसके अंदर ये सारे प्रोसेस होते रहते हैं, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चीज नेक्स्ट वीडियो में।